से एक्सरसाइज की आपने आज यहाँ? अभी तो मैंने पहली बार इसको महसूस किया ये वाले को, सो आई ट्राइड दिस थिंग कॉल्ड द रिफॉर्मर, ओ माय गॉड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो मुझे लगता है अगर आपने कोई चीज़ पहले ट्राई ना की हो तो शुरू में मुश्किल लगती है, आप लगे रहें तो आसान हो जाती है, फिर आप सिखा भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। सुनीता जी, आप बताइए यहाँ पर हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा अगर पिलाटस के अलावा देर इज़ मोर, साइकिलिंग इज़ देर, देर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड लेस मिल्स विच आई हैव गॉट, दिस इज़ अ मिडल ईस्ट ब्रांड विच इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड विच वर्क्स ऑन द म्यूज़िक, वो म्यूज़िक के ऊपर एक्सरसाइज हमको करनी होती है, वो वेट ट्रेनिंग के लिए है, वर्क्स ऑन द लो वेट्स एंड हाई रेपिटेशन, और यू कैन गो एंड दैट्स द रीजन वी हैव पुट आरजीबी लाइट्स हियर, या एंड तो ये नाइट क्लब भी हो सकता है? नो, सो वी हैव किक बॉक्सिंग, वी हैव स्टेप मिक्स मार्शल आर्ट्स ऑल्सो, वी हैव स्टेप किक बॉक्सिंग विच आई ट्राइड विच इज अमेजिंग, वर्क्स ऑन योर कोर एंड रेस्ट तो इनको सब पता है ही। सो इनकी जो बहन है कविता मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं एंड जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी तब से वो वन ऑफ द फिटेस्ट गर्ल है और इतने साल हो गए हम लोगों को साथ काम करते हुए, दोस्त रहते हुए, शी स्टिल फिट। सो जब भी मैं उनसे बात करता था इनका जिक्र करती थी, आई हैव नेवर मेट हर, सो दिस इज द फर्स्ट डे, सो शी इज ऑसम एंड आई लाइक द वे शी थिंक्स अबाउट फिटनेस। एक फिटनेस सेंटर खोलना इतना मुश्किल काम नहीं है, बट जिस तरह से अगर आपने खुद रिसर्च की है, काम किया है, इफ़ यू नो द स्टफ एंड यू ओपन समथिंग इट रियली वर्क्स, सो आई विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विदुर, हम सब जानते हैं कि आप सबसे फिटेस्ट हैं और बहुत सालों से आप फिटनेस पे ध्यान भी देते आ रहे, लेकिन ऐसा कौन सा समय था जब आपने फिटनेस को सीरियसली लिया और किसने आपको इंस्पायर किया फिटनेस के लिए? यार, फिटनेस को सीरियसली लिया का मतलब वैसा ही हुआ कि आज मैंने ध्यान लेके सांस ली, सांस चलती रहती है, फिटनेस हमेशा रहती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फिटनेस करें, आप चेंज करते रहें। अगर आपको वेट उठाने का शौक है, थोड़े टाइम बाद कुछ और करने सोचिए, जिमनास्टिक करिए, सो ट्राई एवरीथिंग आउट बट ट्राई इट विद पीपल हु नो इट, बिकॉज आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत 100% है, सो फाइंड पीपल हु कैन टेल यू। आपके अलावा सब फिट हैं यार, अपने अपने लेवल में हर आदमी बहुत फिट है और फिटनेस का कोई, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक तो नहीं, बट हर आदमी फिट जी। और इसके अलावा आपकी कमोडिटी भी आ रही है, हमें पता है कि वहाँ पे भी ढेर सारे एक्शन देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या स्टेटस है एंड कब तक ये? 6 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, हम लोग आज मैं गाने की रिहर्सल से आ रहा हूँ, आखिरी गाना रह गया एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ, डायरेक्टर बहुत उम्दा है। तो इस फिल्म में एक्शन का लेवल कहाँ तक हमें देखने को मिलेगा? कहाँ तक आपने अब तक देखा है? कमांडो 2 तक तो उससे थोड़ा और आगे जाएगा। वुड यू लाइक टू डू अ खतरों के खिलाड़ी, होस्टिंग आप करना पसंद करेंगे इस तरह का शो आप कभी? यू नो एज अ एक्शन करते हैं, बहुत सारे एक्शन करते हैं, वुड यू लाइक टू डू होस्टिंग विद रोहित शेट्टी आने वाले दिनों क्या, अगर आपको मौका मिलता है कलर्स की तरफ से? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। So you're talking about the most talented people and you're talking about one of the most watched shows, why not? Anything to do with fitness, we do it. Yes, yes. Sure. Okay, ek aakhri sawal hai. Recently we see a lot of water logging in Mumbai. Mumbai mein kaafi barish ki wajah se logon ko problem hua. Recently 54,000 mangroves kaate jaane wale hain. What is your take on that in this issue, sir? Aapko lagta hai mangroves kaatna chahiye, paryavaran ko bachana bahut zaruri hai? What? जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हो गलत है, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जवाब सीधा ये है, ये करना गलत है। आप पूछ रहे हैं आपको लगता है कि नहीं लगता है? डूड, जिसको ये नहीं लगता है उसका दिमाग चेक करवा लीजिए, इट्स इनकरेक्ट। द वाटर लॉगिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, एवरीबडी नोज दिस, समबडी विल डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। थैंक यू। So healthy people should eat sweets sometimes, it's important, it's good for your brain also. Yes.
Sure.